ऑल राइट गाइस, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गूगल एथेंटिकेट से आप फिर से अपने जीमेल के ओटीपी या फिर इसके जो भी अंक है उसको आप सिक्योरिटी कैसे ले सकते हैं अपने गूगल एथेंटिकेट ऐप्स के द्वारा। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर के अंदर गूगल अकाउंट सर्च मार लेना है। उसके बाद क्या करना है, सुरक्षा पे क्लिक मार देना है। सुरक्षा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर आपको क्लिक मार देना है। तो क्लिक मारने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा पासवर्ड मांगेगा, एक बार यहाँ पे लगा लेता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया कि आगे मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ चुका हूँ। उसके बाद अब क्या करना, जो भी मेरे मोबाइल नंबर अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, अगर उसके कोड जो भी मार देना होगा, क्योंकि उसके बाद जो भी मोबाइल है नेक्स्ट जो आपका क्यू कोड है उसको आपको दूसरे मोबाइल के अंदर डाल देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जो भी अथेंटिकेट के अंदर आपको जो भी मिलते हैं आपको रिटर्न के लिए मैं आपको, तो आपको गूगल अथेंटिकेट के लिए आपको आपने ले लेना है प्ले स्टोर ऐप के अंदर। तो मैं सिक्योरिटी में वहीं पर ऐड करें और यहाँ पे आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक मार देना है। मैं अपना क्यू आर कोड स्कैन कर लेता हूँ एक बार। जैसा कि मैंने क्यू आर कोड स्कैन कर लिया है और यहाँ पे ओ टी पी आपको दिखा दे रहा होगा 400-300। तो मैंने यहाँ पे ओ टी पी है वो डाल दिया है और यहाँ पे सत्यापित हो चुका है कि आपको गूगल एथेंटिकेट के अंदर आपका सिक्योरिटी चालू हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नई वीडियो सब। जय हिंद, धन्यवाद।